नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक ऑसम लेक्चर हमारे प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन की सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी में आए हुए पुराने साल के पेपर्स। इससे पहले हम लोग 2018 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 2017 का पेपर। 2017 के पेपर पे दोस्तों मैं इन ऑल चार पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। चार पार्ट, 100 क्वेश्चंस होते हैं आपको पता है, तो हर एक पार्ट में 25-25 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और हम लोग इसमें GS1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने का मेन रीजन क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? इसको डिस्कस करने का मेन रीजन है कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जा सके कि जो आपका एग्जाम होता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरीके से आप एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हो अपने एग्जाम के लिए, आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो प्रॉपरली कि आपको किस पोर्शन को किस तरीके से कवर करने की जरूरत है। यहां पे मैंने जो भी क्वेश्चन है उनकी कैटेगरीज भी आपको बताने की कोशिश की है कि किस कैटेगरी का कौन सा क्वेश्चन है और किसमें से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, मेरा नाम है आलू गुप्ता, मैंने मेनेट भोपाल से ग्रेजुएशन किया है और दोस्तों मैं 2 बार यूपीएससी मेंस का एग्जाम भी लिख चुका हूं और मेरी यही उम्मीद है कि जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है इन एग्जाम्स को देते वक्त या जो मैंने नॉलेज गेन की है वो आपके साथ शेयर की जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। आई होप ये जो भी सीरीज है या लेक्चर्स है ये आपको काफी मदद पहुंचाएंगे। दोस्तों इस स्लाइड पे आप देख सकते हो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो GS1 का पेपर होता है, जो मेनली जो आपका डिसाइड करता है कि आप मेंस दोगे या नहीं दोगे, तो ये उसका सिलेबस है। ऑलरेडी आप लोग इससे अवगत होंगे, पर जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको शायद ये जो सिलेबस होता है उसका अच्छा आइडिया नहीं होता है। तो प्लीज गो थ्रू दिस सिलेबस, आपको भी एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है या फिर क्या चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। सो दिस इज दी होल सिलेबस। दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूं। देखिए सिर्फ प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 से 4 महीने का टाइम बचा है, आपको इस टाइम में क्या करना होगा, आपको अपना प्रॉपर रिवीजन करना होगा। जो भी आपने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं तो उनको प्लीज आप रिवाइज करते रहिए, प्लस ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपको काफी कॉन्फिडेंस गेन होगा। उसके अलावा पुराने साल के पेपर्स जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको भी एक बार गो थ्रू कीजिए फॉर हैविंग दी प्रॉपर आइडिया। Now with this background and context, let's start today's lecture. दोस्तों यहां पे स्लाइड पे आप देख रहे हो कि जो GS1 या फिर कोई सा भी पेपर होता है तो उसके पहले कुछ निर्देश दिए जाते हैं, मतलब कुछ एक तरीके से एडवाइजेस दी जाती है। तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ लीजिए, ठीक है। पेपर के टाइम में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, पेपर के दौरान आप ढंग से नहीं पढ़ पाते हो। तो जैसे कुछ चीजें, जैसे आप क्या देख सकते हो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं, तो इस टाइप के कुछ निर्देश दिए हुए उनको एक बार कर लो आप लोग। सेम इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई, सेम इंस्ट्रक्शंस यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए इनको, ठीक है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब भी दूंगा, इन क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा आपके साथ। आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस के आप जवाब लिखते जाइए अपनी किसी भी हैंड कॉपी में, किसी पेपर पे, और उनको चेक कीजिए आपके कितने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए, दैट वे यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन एज वेल। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से आया था, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो कौन से करेक्टली मैच नहीं है, जैसे आइलबर्ग क्या ये ग्लेशियर है, कैनियन क्या ये एक रिवर है, ज्यूगन क्या ये विंड है, या मोरेन क्या ये ग्लेशियर है। तो आपको इसका सही जवाब बताना था कि इनमें से कौन सा नॉट, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है नॉट करेक्टली मैच। पहली गलती जो एक स्टूडेंट या एक एस्पायरेंट करता है वो ये कि क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ता। जैसे ही वहां पे देखा कैनियन रिवर, अरे ये ऑप्शन सही है, अरे भाई उसमें नॉट पूछा है नॉट, तो ये तो फिर यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर है 1, यानी आइलबर्ग जो है वो एक ग्लेशियर होता है। क्या होता है वो, एक ग्लेशियर होता है, सॉरी ग्लेशियर नहीं होता है, कनियन एक रिवर होती है, ज्यूगन एक विंड का फॉग होता है, मोरेन एक ग्लेशियर होता है। तो आइलबर्ग होता क्या है फिर, आइलबर्ग होता है एक माउंटेन हिल। क्या होता है, माउंटेन टाइप का एक चोटी या पहाड़ी कह लीजिए, मतलब अच्छी सी एक धरती होगी, धरती में एकदम से पहाड़ बन जाता है, उसको बोलते हैं आइलबर्ग।
ये उसके बारे में आप कुछ डिटेल भी पढ़ सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है कि एलबर्ग क्या होता है, एक आइसोलेटेड हिल या माउंटेन जो एकदम से अब्रप्टली राइज करता है प्लेन में से, ये उसकी फोटो रही। तो इससे याद रखना ये क्या है आपका, एलबर्ग। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये था, आपसे ये पूछा गया था कि अमित विजयवर्गीय किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ये स्पोर्ट और अवार्ड्स वाली जो कैटेगरी है उससे ये क्वेश्चन आया था। एमपीपीएससी में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। 2018 के पेपर में भी हमने देखा था, 2017 में भी आ गया। तो अमिताभ विजयवर्गीय है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, जो हमारी स्पोर्ट की सीरीज है वहां पर मैंने आपको कई बार ये बताया है, या फिर जब मैंने करंट अफेयर कवर किए तो आपको बार बार बताया है कि आप प्लीज और प्लीज ये ध्यान रखो कि कोई भी प्लेयर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड होता है उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। अमिताभ विजयवर्गीय हॉकी से एसोसिएटेड है, क्रिकेट, फुटबॉल या किसी में से भी नहीं? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट, यानी 2 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अमिताभ विजयवर्गीय इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, आंसर इज 2। अमिताभ विजयवर्गीय के बारे में अगर जानना चाहते हो, ये रही इनकी फोटो। इनका जन्म हुआ था इंदौर में। कहां पे? इंदौर में। तो यानी एमपी के हैं, इसीलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आया। तो स्पोर्ट पर्सनैलिटी जब आप कवर करोगे तो एटलीस्ट एमपी की स्पोर्ट पर्सनैलिटीज को ढंग से याद करना, ठीक है? और ये हमने एमपी की स्पोर्ट सीरीज में भी और करंट अफेयर में भी बहुत अच्छे से देखा है। ये देखिए एमपी से खेलते थे, इनकी करंट एज दी हुई है, तो ये बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये करंट अफेयर से आया था। अब आपको इससे ये पता चलेगा करंट अफेयर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 2016, अब ये पेपर हम 2017 का डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे पहले वाले साल में जो खबर रही होगी, यानी 2016 में, कि ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी थी, उनकी ओथ को किसने एडमिनिस्टर किया था। नॉर्मली किसी भी चीफ मिनिस्टर की ओथ को एडमिनिस्टर किया जाता है वहां के गवर्नर के द्वारा। अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, अगर वो भी नहीं होते तो चीफ जस्टिस ऑफ मतलब जो भी वहां का सीनियर चीफ जज होता है वो उस हाई कोर्ट का, वो उसकी ओथ को एडमिनिस्टर करता है। तो जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी थी वेस्ट बंगाल की, उनकी ओथ को किसने एडमिनिस्टर किया था? राम नायक, टी एस ठाकुर, पी सथाशिवम या फिर केशरीनाथ त्रिपाठी? ठीक है, तो इसके ऊपर अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल सा आंसर था, आंसर इज 4, केशरीनाथ त्रिपाठी। उन्होंने इनकी, क्योंकि वो उस टाइम पे वहां के गवर्नर थे, सो आंसर इज 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहे केशरीनाथ त्रिपाठी की, प्लीज ये फोटो रही, आप लोगों ने शायद इनको कभी न्यूज वगैरह में देखा होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था उनका? तो ये तो हम लोगों ने जब एमपी की जीके कवर की थी, जो एमपी एट अ ग्लांस वाली सीरीज है, उसमें हमने कवर किया है। चंद्रशेखर आजाद ये इन्होंने किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया था मध्य प्रदेश के? खरगोन, झाबुआ, ग्वालियर या सतना? ग्वालियर नहीं हो सकता, सतना नहीं हो सकता, खरगोन भी नहीं है, तो आंसर इज 2, दैट इज झाबुआ। ठीक है, तो झाबुआ में इनका जन्म हुआ था, प्लीज आप इसको याद रख लेना अच्छे से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, फिर से ये करंट अफेयर की सीरीज से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है? और इसमें क्या था कि जो पहले दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं बी एस बस्सी, इनको मई 2016 में अपॉइंट किया गया था किसी पोस्ट के लिए। तो आपको ये बताना था किस पोस्ट के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। करंट अफेयर से है तो आपको एक आइडिया पता चल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो काफी आते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ मेघालय या चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? और यस, इसका सही जवाब यह था कि ये मेंबर बनाए गए थे यूपीएससी के, जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है कमीशन, उसमें 10 मेंबर होते हैं, तो उसमें से एक मेंबर बीएस बस्सी को बनाया गया था। सो राइट आंसर इज 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला फिर से देखो, ये स्पोर्ट्स एंड अवार्ड सीरीज से आ गया। तो इसमें यह पूछा गया था कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1987 में, उस वर्ल्ड कप का क्या नाम था? बेंसन एंड हेजेस कप, विल्स कप, नन ऑफ द अबव या रिलायंस कप? तो यह पूछा गया था कि देखिए, हर बार का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, एक उसका निकनेम भी होता है। एक तो हम लोग इससे जानते हैं कि चलो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन उसका एक नाम भी दिया जाता है हर एक कप का, जैसे बेंसन एंड हेजेस कप, विल्स कप, रिलायंस कप। तो जो 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम था रिलायंस कप। सो आंसर इज 4। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? रिलायंस कप। अब बाकी के ये जो कप्स है, यानी आपको अब याद रखना होगा कि अभी जो रिसेंटली कप हुआ था 2015 में या 2019 में जो हुआ, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। जैसे कि देखो यहां पे कुछ डिटेल देखिए, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका सिंपल सा नाम था 83, या 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम था बेंसन एंड हेजेस कप,
1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम था विल्स कप। 1999 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका था इंग्लैंड 1999। 79 वर्ल्ड कप हुआ था वो था 79 कप। ठीक है, तो इस तरीके से नाम आपको पता होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, डक डक गो ये क्या चीज है? ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो यानी कंप्यूटर साइंस। आप लोगों के काफी कॉल्स आते हैं कि आप लोगों को ये पता करना है कंप्यूटर साइंस के लिए सर हम क्या पढ़े। इन ऑल इन शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर बताना चाहूं, जो हमारे लेक्चर्स हैं वो पढ़ लीजिए बेसिक इन्फो के लिए। उसके अलावा आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, लूसेंट में जितनी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर साइंस के लिए वो काफी है। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट पेपर लगा लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर्स प्लस मैं भी कुछ और क्वेश्चंस, कम से कम 150 क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप उनको और सॉल्व कर लेना। दैट विल बी सफाइस फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। डक डक गो क्या है? क्या एक न्यूज वेबसाइट है? क्या ये वायरस है? क्या ये वेब ब्राउजर है? या ये एक सर्च इंजन है? डक गो क्या है? डक डक गो तो ये एक वेब ब्राउजर है, या फिर सॉरी सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। तो दिस इज अ सर्च इंजन, ठीक है, डक डक गो इज अ सर्च इंजन, ये इसका लोगो रहा, ठीक है। तो ये क्या है? डक डक गो एक सर्च इंजन है, प्लीज याद रखते जाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से आया था, तो ये पूछा गया था 12वां 12th 5-year plan जो है उसकी टाइमलाइन क्या थी। अभी तक इंडिया में आपको पता होगा पंचवर्षीय योजनाएं जो आती है, जो 1952 से शुरू हुई थी, जो पहली थी 52 से लेके 1957, फिर 57 से लेके 62, है ना। तो इस तरीके से जो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? इसका था 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। सो आंसर इज 3। तो आपको 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आया था एक्ट से, आपको पता होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 3 एक्ट मेंशन है जिनके बारे में और जिनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से एक एक्ट है एससी एंड एसटी एक्ट 1989, जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज होती है उनको रोकने के लिए एक्ट आया था। तो अब इसमें यह पूछा गया था इसकी किस सेक्शन में स्पेशल कोर्ट का अरेंजमेंट है, कि जिस धारा के तहत स्पेशल कोर्ट यहां पर गठित किया जाता है, 14, 17, 21(1), 21(3, और ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो इसीलिए यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये है आपका 14, सो आंसर इज 1। स्पेशल कोड सेक्शन 14 के तहत बनाया जाता है एससी एंड एसटी एक्ट के। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि रश्मि रेखा नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है, ठीक है, रश्मि रेखा नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्रा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर हरिशंकर परसाई। अगर आप लोगों ने मेरी कल्चर वाली सीरीज देखी होगी तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, और यस इसका सही जवाब था बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। तो आंसर इज 3, रश्मि रेखा का याद रखना अच्छे से, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहां पे हुआ था अगर मैं आपसे पूछूं, तो इनका जन्म हुआ था साजापुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे हुआ था? साजापुर डिस्ट्रिक्ट, ये एमपी में। चलिए अब आपका ये जवाब बताना, आप साजापुर डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आती है, इन विच डिवीजन साजापुर डिस्ट्रिक्ट डू कम। तो ये देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन ये एमपी से हैं, इसीलिए इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया, काफी लाजमी है। बालकृष्ण नवीन जो थे वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर यानी एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और हिंदी लिटरेचर के एक पोएट थे। ये पहली लोकसभा में भी एक मेंबर के तौर पे यानी एमएलए के तौर पे काम, सॉरी एमपी के तौर पे काम किया इन्होंने कानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये प्रताप डेली नाम का की एक जो है पेपर आता था न्यूज़पेपर, उसके एडिटर भी रहे हैं। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के भी ये मेंबर रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था हमारे यहाँ पे 1963 या 64 में आसपास, ठीक है, इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी तब बनाया गया था। और अगर हम बात करें कि कुछ पोएट्री की किताबों की, तो जैसे कि कुमकुम, रश्मि रेखा, अपालक, क्वासी, विनोबा सत्वन, उर्मिला, हम विस्पेई जन्म के, उसके अलावा द लास्ट वन पब्लिश पोस्टोमियसली, तो ये वाली हम विस्पेई जन्म के, तो ये भी एक इनके, तो ये इनके सारे काम है, प्लीज आप इनको याद रख लेना। इनके नाम पे एक स्टैंप भी रिलीज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1989 में। इनको पद्म भूषण जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे ऊंचा सिविलियन ऑनर है वो भी इनको मिला है। तो ये है बालकृष्ण नवीन।
अगला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे माना जाता है। प्रेशर ग्रुप आपको पता होगा, प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप होता है, मतलब जैसे कि ये ग्रुप क्या करते हैं, अपने कुछ इंटरेस्ट को सर्व करवाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे लोकसभा के मेंबर है, क्या ये प्रेशर ग्रुप है? पंचायत के मेंबर, क्या ये प्रेशर ग्रुप है? या जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, या फिर ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। तो अगर आपको पॉलिटी का थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो आप तो खुद ही बता सकते हैं, 1, 2 और 3 गलत आंसर है, 3rd, 4th one इज राइट। जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये अपने कुछ इंटरेस्ट को सर्व करवाने के लिए जो अथॉरिटीज होती हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो आंसर इज 4, ठीक है। तो ये देखिए इसका सही जवाब क्या है, 4 मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर जिनको प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन नहीं मालूम है वो यहां पर पढ़ सकते हो। ये देखिए, ग्रुप दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, दैट आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2016 में, अब 2017 का पेपर है ये, तो 2016 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जब थे तो वो किन किन कंट्रीज की विजिट पे गए थे। अब तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही बदल गए हैं, वो है अब रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये जो विजिट्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं काफी, कि हमारे प्रेसिडेंट कहां गए थे, प्राइम मिनिस्टर कहां गए थे, वाइस प्रेसिडेंट कहां गए थे, तो ये करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया है। फिर भी एक बार आप एक लिस्ट को, प्रॉपर लिस्ट को देख लेना, मैं कोशिश करूंगा इस चीज के ऊपर एक लेक्चर लेके आऊं। तो प्रणब मुखर्जी कहां पे गए थे 2016 में, इसका जवाब आपको देना है। ये गए थे चाइना की यात्रा पे। सो बहुत सिंपल सा है, और ये इस पे आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी डिटेल में नहीं जाना। करंट अफेयर के क्वेश्चनों से हमें ये अंदाजा लगाना होता है कि इस बार हमें करंट अफेयर पे किस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से स्पोर्ट एंड अवार्ड, तो देख रहे हो स्पोर्ट एंड अवार्ड के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने जब आपको एमपी के स्पोर्ट का क्या लेक्चर पढ़ाया था, सीरीज पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था। ये बताइए, जो पारसी क्लब को सेटअप किया गया था ये किस गेम के ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, द ट्रेडिशन ऑफ विच गेम स्टार्टेड, मतलब कौन सा गेम स्टार्ट हुआ था विद द सेटिंग अप ऑफ पारसी क्लब। चेस का गेम शुरू हुआ था, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? ये पारसी क्लब जो है इससे शुरू हुआ था आपका क्रिकेट। सो आंसर इज 3, आपको मैंने बताया था ये स्पोर्ट सीरीज में, ठीक है ना। चलो अब आपका, आपको ये जवाब देना है, पारसी क्लब कहां पे सेटअप किया गया था, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस रीजन में सेटअप किया गया था, ठीक है। प्लीज जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं आप पार्टिसिपेट कीजिए, अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी देन यू नीड ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन दैट, है ना। दोनों तरफा से ये चलना चाहिए, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उनके जवाब दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे भी पता चलेगा दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। अगला क्वेश्चन ये था कि जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किडनी होती है, किडनीज होती हैं, वो कौन सा काम करती हैं, या वो जो सिस्टम है वो किस लिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, या एक्सक्रीशन के लिए। किडनीज आपको पता होगा ना, ये दो किडनी होती है, फिर यहां पर ये इस टाइप से, तो ये किडनी किस लिए यूज की जाती है, कि किडनी का जो काम होता है वो होता है एक्सक्रीशन का, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है आपकी बॉडी का उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल के फेंक देने का काम होता है किडनी का, ठीक है। चलिए ये बताइए कौन सा ऐसा हमारे ह्यूमन बॉडी का पार्ट है या कौन सा सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा सिस्टम मदद करता है। आगे चलते हैं, तो देख रहे हो ये क्वेश्चन है जनरल साइंस के, अभी तक मैंने जनरल साइंस के ऊपर कोई सीरीज लेके नहीं आया हूं, तो जब तक मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं तब तक मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप लोग लूसेंट पढ़ते रहिए, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द लेक्चर कोई आपको बना के लेके आ सकूं, ठीक है। अगला जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि जो लेंस की पावर होती है उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, जैसे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, या फिर टाइम है तो टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड्स में, या टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। तो ये यानी यूनिट से क्वेश्चन आया था कि जो पावर होती है लेंस की उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, इयॉन, कैंडेला, ल्यूमिन या फिर डायोप्टर। जैसे कैंडेला जो यूनिट है वो होती है ल्यूमिनोसिटी की, कि मतलब जो आप बल्ब जलाते हो, लाइट जलाते हो, तो कितनी रोशनी हो रही है वो कैंडेला में मेजर होती है, ठीक है। तो सिमिलरली जो पावर है, लेंस की पावर है, उसको मेजर करते हैं डायोप्टर में। वन डायोप्टर इज, मतलब जो डायोप्टर होता है वो इक्वल टू होता है 1/मीटर का, यानी मीटर इनवर्स जब हम कर देते हैं तो वो बन जाता है डायोप्टर, ठीक है। ये होती है पावर ऑफ अ लेंस।
सो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, आपको ये ज्योग्राफी से आया था, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, पालघाट क्या ये केरला में है, लीपू लेक क्या ये उत्तराखंड में है, नाथुला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, या रोहतांग पास ये हिमाचल प्रदेश में है। पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ये वाले क्वेश्चन पता है बहुत सारे एस्पायरेंट गलत कर देते हैं, पूछा कुछ जाता है जवाब कुछ दे देते हैं हड़बड़ाहट में। पेपर में कंपोज रहना, ठीक है, प्लीज एंड प्लीज पेपर के टाइम पे कंपोज रहना, यही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहने की स्ट्रेटेजी है, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो। तो देखिए पालघाट ये आता है वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, तो ये केरला में हो सकता है, लीपू लेक पता नहीं, रोहतांग पास ये आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है, तो अब आपके या तो 2 होगा या 3 होगा, और अगर थोड़ी सी भी ज्योग्राफी के बारे में पता होगा तो लीपू लेक आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो यानी नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत है, तो यानी इसमें नॉट ही पूछा था, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 3। नाथुला पास जो है वो आपका आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इन सिक्किम, देख लेते हैं अभी। सो आंसर इज 3 बिकॉज इट इज नॉट करेक्टली मैच। और ये देखिए नाथुला जो है वो आता है आपका सिक्किम में, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है जो हमारा सिक्किम है उसको चाइना के तिब्बत रीजन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया नाथुला, प्लीज याद रखना। अब क्या याद रखोगे, पालघाट कहां पे आएगा, केरला, लीपू लेक कहां पे आएगा, उत्तराखंड, रोहतांग पास कहां पे आएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है, ये मैंने आपको जब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें बताया था परमार डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, परमार डायनेस्टी आई थी कुछ 9th या 10th सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी के बीच में, इन्होंने रूल किया था। तो इसमें यह पूछा गया इनमें से कौन से जो है चार में से, इनमें से कौन सा किंग परमार डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है। नॉट अगेन, देखिए नॉट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये चेक करता है आप कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मुंज, उदय आदित्य, उपेंद्र या फिर गंगाए देव। चलो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, मुंज जो है वो परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उदय आदित्य ये भी परमार डायनेस्टी के ही किंग थे, और उपेंद्र ये भी परमार डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। गंगाए देव जो है वो परमार डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते, तो आंसर इज 4। ठीक है, ये आप देख सकते हो आंसर इज 4। क्लियर है ये बात। अच्छा, परमार डायनेस्टी के बारे में आपको थोड़ा और कुछ भी मैं बता देता हूं। देखिए ये परमार डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, हर सोर्सेस के हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये देखिए अगर इनके हम किंग्स के नाम पढ़ें तो जैसे कृष्णा, वृषिम्हा श्याका, उसके अलावा यहां पर देखिए उपेंद्र, वृषिम्हा, स्याका, बागपाती, बैरी सिम्हा, हर्षा, उपेंद्र, तो ये सारे यहाँ पे ये किंग दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग, ये देखिए ये प्रसिद्धि इंस्क्रिप्शन में जो नागपुर में है उसके थ्रू हमें पता चलता है, उदयपुर में जो प्रसिद्धि इंस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हमें ये नाम पता चलते हैं। तो प्लीज आप ये देख लीजिए, उदय आदित्य का तो नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो एमपीपीएससी ने आंसर डिक्लेयर किया था वो गंगाए देव का, और गंगाए देव मैंने वैसे आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है। ये बताइए चलिए गंगाए देव किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आगे ये देखिए परमार डायनेस्टी की अगर बारे में हम बात करें, परमार डायनेस्टी ने मालवा और उसके कुछ सराउंडिंग रीजन में रूल किया है 9th से 14th सेंचुरी तक। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए इनकी कैपिटल थी धार, इनके यहां पे लैंग्वेज बोली जाती थी संस्कृत और प्राकृत, इनका रिलीजन जो था वो था सैविज्म, ये ऐसा माना जाता है इनको शुरू किया था उपेंद्र ने, फिर आए भोजा, फिर आए महालखा देव। ठीक है, इनसे पहले थी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी और उनके बाद आई दिल्ली सल्तनत, धार इनकी कैपिटल थी, प्लीज याद रखना, और ये बाकी डिटेल यहां पर दी हुई है तो आप इसको पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, या फिर एक बार स्टॉप करिए और इसको पढ़ लीजिए क्योंकि यहां पे मेनली मुझे ये पढ़ाना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये था जो एमपी से ही रिलेटेड है, तो आपको पता चल रहा होगा कि एमपी की प्रिपरेशन कितना जरूरी है। हबीब तनवीर जो है ये कहां पे इनका जन्म हुआ था, हबीब तनवीर, वैसे अब मैं बता दूं अब तो हबीब तनवीर एमपी के नहीं बिलोंग करते, पर पहले जब एमपी का विभाजन नहीं हुआ था तो बिलोंग करते थे, यानी ये छत्तीसगढ़ में इनका कहीं जन्म हुआ होगा, तो बस इतनी हिंट काफी है। ये इनका जन्म हुआ था, ये हुआ था रायपुर में। हबीब तनवीर ये उर्दू लिटरेचर के बहुत बड़े एक पोएट भी हैं, तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, दैट इज हबीब तनवीर
रायपुर में इनका जन्म हुआ था। हबीब तनवीर के बारे में अगर देखें तो ये देखिए, ये एक तो इंडियन उर्दू और हिंदी के प्ले राइटर हैं, मतलब लिखते हैं उसमें, उसके अलावा थिएटर के डायरेक्टर, पोएट और एक्टर भी हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ प्लेज लिखे हैं जैसे कि आगरा बाजार और चरणदास चोर, मैंने कल्चर की सीरीज में आपको बताया था, तो याद रखना आगरा चोर जो एक प्ले है ये लिखा गया है हबीब तनवीर के द्वारा, चरणदास चोर भी हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा इन्होंने उर्दू और हिंदी के थिएटर्स के एक तरीके से पायनियर हैं ये, छत्तीसगढ़ी ट्राइबल्स के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने एक थिएटर कंपनी को फाउंड किया था भोपाल में 1959 में। उसके अलावा अगर इनके और कुछ माइलस्टोन की बात करें तो जैसे चरणदास चोर, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, उसके अलावा कामदेव का अपना बसंत एंड ऋतु का सपना, तो ये सारे प्लेस हैं जो कि हबीब तनवीर ने लिखे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर देखिए, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड सीरीज से आया है ये, और इसमें क्या पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा ट्रिवियल जिनको आप नहीं याद कर सकते, तो बस कोशिश ही कर सकते हो कि एक एक आप गैस वर्क के थ्रू टिक कर सके, क्योंकि कोई माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, सचिन तेंदुलकर का जन्म कब, सॉरी अर्जुन अवार्ड कब मिला था, एंड दी राइट आंसर इज, देख लेते हैं, सो दी राइट आंसर इज 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था सचिन तेंदुलकर को, डू रिमेंबर दिस फैक्ट। अगला क्वेश्चन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, जिसमें यह पूछा गया था इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, नॉट, अगेन नॉट पूछा गया है, विवाल्डी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल एप्स। तो थोड़ा सा भी इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है ओपेरा तो एक वेब ब्राउजर है, अगर आप लोगों ने पहले मोबाइल फोन चलाए होंगे तो आपको पता होगा कि एक वेब ब्राउजर है, तो ये नहीं हो सकता, मोजिला फायरफॉक्स तो सबको पता है तो ये नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज होंगे विवाल्डी में या फिर गूगल एप्स में, तो गूगल एप्स आपको पता है इट इज नॉट अ वेब ब्राउजर, राइट तो आंसर हो गया 4। और तो विवाल्डी क्या है, ये भी एक वेब ब्राउजर ही है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। सो द राइट आंसर इज 4 कि दैट गूगल एप्स आर नॉट वेब ब्राउजर। ये देखिए विवाल्डी के बारे में, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है जो कि विवाल्डी टेक्नोलॉजीज ने इसको डेवलप किया है। ये जो विवाल्डी टेक्नोलॉजीज नाम की जो कंपनी है वो ओपेरा सॉफ्टवेयर के को फाउंडर एंड फॉर्मर सीईओ जॉन स्टेपसन ने इसको स्टार्ट किया था। सो दिस मच इज ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रहा विवाल्डी का लोगो, ये है ओपेरा का और ये रहा मोजिला फायरफॉक्स। अगला क्वेश्चन अगेन पॉलिटी से है, आपसे ये पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में कब मेंशन किया गया था या कब इंक्लूड किया गया था, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है, इनको बाद में ऐड किया गया था स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इनको इंक्लूड किया गया था, और इनको इंक्लूड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। इसका आंसर तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपकी आती है पार्ट 4A में, याद रखना। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो टोटल नंबर ऑफ ड्यूटीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ड्यूटीज कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। और ये भी बताना कि फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसिएबल होती है या नहीं, आर दे जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, ये मैंने अपनी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। सो आंसर इज इसका 1, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना था अगेन ज्योग्राफी से है कि इनमें से कैस्पियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर नहीं करती है, कैस्पियन सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर नहीं करती है। आपके ऑप्शंस थे अजरबैजान, ईरान, इराक या कजाकिस्तान, एंड द राइट आंसर इज, अगर मैं आपको एक निमोनिम बताऊं तो देखिए तारीख से याद रखना आप, तारीख बस, अब अगर इतनी हिंट काफी है तारीख से, अगर आप इसको याद रख लोगे, ये सारी जो कंट्रीज है वो कैस्पियन सी को का बॉर्डर बनाती है। सो इसका सही जवाब है कि देखिए पहली बात तो नॉट पूछा था, सो इट इज इराक, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान इसका बॉर्डर शेयर करती है, और ये देखिए यहां पे मैप से भी आप याद करो, ये रहा कैस्पियन सी और ये देखो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सॉरी उज्बेकिस्तान नहीं हुए, फिर है आपका ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये रहा आपका रशिया और ये रहा कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज यानी तारीख TARIK, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से आपका हो जाएगा ईरान और के से हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज जो है कैस्पियन सी को का बॉर्डर बनाती है।
कैस्पियन सी जो है वो वाटर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है, इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, और इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक भी बोला जाता है या फुल फ्लेजेड सी भी बोला जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है या फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, और बॉर्डर्स में आपको ऑलरेडी पता चुका हूं। आगे अब देखो, कैस्पियन सी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो अब उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि ब्लैक सी को कौन कौन बॉर्डर बनाती है या फिर मेडिटेरियन सी को कौन कौन बॉर्डर बनाती है। तो ये देखिए, ब्लैक सी ये रहा, ब्लैक सी को का बॉर्डर बनाती है आपका टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, ठीक है रोमानिया, उसके अलावा यूक्रेन, और यहां पर यह आपका रशिया, और ये जॉर्जिया, ठीक है। तो ये है आपका ब्लैक सी, यहां पे था आपका ये हो गया ब्लैक सी, और यहां पे आपका कैस्पियन सी था, और ये रहा मेडिटेरेनियन सी। इसके बॉर्डर की अगर बात करें तो स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, सीरिया, इजराइल, इजिप्ट, लिबिया, टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, प्लीज याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये था आपसे, ये पूछा गया था कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। आपके ऑप्शन थे अरावली माउंटेन रेंज, सह्याद्री, सतपुड़ा या फिर अजंता माउंटेन रेंजेस। तो आपके इन चार ऑप्शनों में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में लाए करती है। एक एक करके देखते हैं। अरावली माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज जो है वो आपकी राजस्थान में आती है, गुजरात में आती है, राइट, राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया थोड़ा बहुत, है ना। तो इस तरीके से, तो ये एक में नहीं आती है, इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो। सह्याद्री ये वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, तो ये आती है आपकी केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये भी बहुत एक से ज्यादा में हो गया। अब बात करते हैं सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो इनमें आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा अजंता, अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही आता है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो प्लीज आप ध्यान रखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ज्योग्राफी से था, ये पूछा गया था स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली क्या चीज है, क्या ये डोरमेंट वोल्केनो है, क्या ये एक्टिव वोल्केनो है, या ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, या फिर नन ऑफ द अबव। स्ट्रोम्बोली जो एक ये माउंटेन है, और ये एक क्या है, ये इटली के पास है, ये भी बता देता हूं, तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है, सो आंसर इज 3। स्ट्रोम्बोली क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, आंसर इज 3। ये देखिए स्ट्रोम्बोली के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, स्ट्रोम्बोली जो है वो ये रहा ये माउंटेन, और इसकी अगर लोकेशन देखोगे तो ये यहां कहीं पे आता है, टेरेनियन सी जो है इटली के नीचे वहां पे आता है, स्मॉल आइलैंड इन द टेरेनियन सी ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ सिसिली, सिसिली के ऑफ कोस्ट पे ये है। यहां पे 3 एक्टिव वोल्केनोज है, मतलब सॉरी इटली में 3, इटली के पास जो है वहां पे 3 एक्टिव वोल्केनो है, उनमें से एक आता है स्ट्रोम्बोली, और इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना प्लीज। आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस से लिया गया है, ठीक है, कहां से, साइंस से, इसमें ये पूछा गया था इनमें से कौन सा पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच। आप देख रहे हो एमपीपीएससी में नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना प्लीज। तो विटामिन सी, क्या ये जेम्स लिंड ने इसको आइडेंटिफाई किया था, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन डी पॉल मूलर, या विटामिन बी मैकुलन। देखिए विटामिन सी जो है वो आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट से, यानी ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उससे मिलता है आपको विटामिन सी, और ये इसको डिस्कवर किया था जेम्स लिंड ने, तो ये तो सही हो गया। जेम्स लिंड एक स्कॉटिश डॉक्टर है, याद रखना ये स्कॉटिश डॉक्टर है। एक विटामिन ए जिसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको मैकुलन ने ही फाइंड आउट किया था। विटामिन जो बी है, विटामिन बी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसको भी मैकुलन ने ही आइडेंटिफाई किया था, मेटाबॉलिज्म के लिए, जो आप खाना वगैरह पचाते हो ना उसके लिए जरूरी है, और ये वाटर सॉल्यूबल है। विटामिन के ऊपर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, कौन से विटामिन वाटर सॉल्यूबल है और कौन से विटामिन वाटर में नहीं सॉल्यूबल होते हैं। जो विटामिन डी है उसको पॉल मूलर ने डिस्कवर नहीं किया था, पॉल मूलर तो एक एक्टर है, तो फिर किसने डिस्कवर किया था, ये जवाब आप दोगे, विटामिन डी को किसने डिस्कवर किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। आपका सही जवाब है 3, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्लियर है।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने काफी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। अगर आपको ये लगता है लेक्चर फायदेमंद है तो आप इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इसे लाभ उठा सके। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो सिंसियरली एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दस विदानिया।